हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। मतलब पहले हमने देखा था कि जो विडो रिमैरिज था या फिर पहले सबसे पहले सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। कब बैन किया था? 1829 के अंदर। किसने बैन किया था? राजा राममोहन रॉय ने। फिर से बाद में जो सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया, अब जो विधवा औरतें थी वो बच गई। अब लोगों ने लगा कि यार अब ये विधवा औरतें बच गई, अब इनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो बाद में इन्होंने जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इन्होंने बोला कि हमें इनके फिर से शादी करवानी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने उनका सपोर्ट किया, और जब ब्रिटिशर्स ने उनका सपोर्ट किया तो 1856 के अंदर क्या होता है, जो विडो रिमैरिज एक्ट है वो पास कर दिया जाता है। तो विडो थी वो फिर से शादी भी कर सकती थी अब। और बाद में जो और रिफॉर्मर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमारी डेथ हो जाएगी और हमारे जो सोच जैसी हम सोचते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, ऐसा कोई रिफॉर्मर जन्म नहीं लेगा, हमारी सोच वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, तो इन वुमेन्स को फ्रीडम कौन दिलाएगा। तो बाद में उन्होंने सोचा कि हमें वुमेन्स को ही एजुकेट करवाना चाहिए ताकि वो खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बन सके। तो बाद में वो सोचते हैं कि वो वुमेन्स को एजुकेट करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और वुमेन्स एजुकेट भी हो जाती है, और वो खुद के एक वुमेन जो है वो दूसरे वुमेन के बारे में भी लिखना स्टार्ट कर देती है। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने वुमेन राइट अबाउट वुमेन के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो वुमेन्स ने देखा कि यार ये जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं उनके बचपन में ही शादी करवा दी जाती है, तो वो सोचते हैं कि हमें इन शादियों को रोकना होगा और हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से या फिर इंडियन लेजिस्लेचर जो है उसे रिक्वेस्ट करके एक लॉ को पास करवाना होगा। तो चाइल्ड मैरिज होता है वो क्या होता है, तो आपको मैं मस्त सा एग्जांपल देती हूँ। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर क्या होता है, जो टप्पू होता है उसकी उसके दादाजी बचपन के अंदर ही शादी करवा देते हैं, तो वो चाइल्ड मैरिज होता है। मतलब बचपन में ही बच्चों की शादी करवा देते हैं। तो बचपन क्या होता है, जैसे मान लो किसी की एज 8 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, तो 8 ईयर के अंदर 6 ईयर के अंदर ही बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, तो बचपन में ही उनकी शादी करवा दी जाती थी। तो बाद में वुमेन्स को लगा कि यार ये तो गलत है, इस ईयर के अंदर 8 ईयर्स के अंदर 6 ईयर्स के अंदर तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए, उन्हें शादी के बंधन में हमें नहीं बांधना चाहिए। तो बाद में उन्होंने सोचा कि हमें किसी न किसी लोग को पास करना ही होगा। तो बाद में क्या होता है, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है, तो वुमेन्स एजुकेट तो हो गई, अब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ती रहती है, वो वुमेन्स कुछ ना कुछ लिखती रहती है। तो राइटिंग ऑन द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट करती है। जैसे हमने जाना था कि जैसे जैसे प्रिंटिंग कल्चर बढ़ता है, तो प्रिंटिंग कल्चर के बढ़ने से क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है वो दूसरी वुमेन के बारे में लिखती है, तो वो वुमेन्स के बारे में भी लिखती है, वो इसके बारे में भी लिखती है कि जो वुमेन्स होती है उसे प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होना चाहिए, तो वो अलग अलग इशू के ऊपर लिखती है। तो राइटिंग ऑन वेरियस इशू रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन से रिलेटेड अलग अलग इशू पे वो लिखना स्टार्ट करती है। तो विडो रिमैरिज के ऊपर लिखती है, राइट वुमेन्स का भी राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर उसके बारे में लिखती है वो, और वो सोचती है कि जो वुमेन्स होती है उन्हें भी सफरेज के अंदर या फिर उन्हें भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, तो वो अलग अलग इशू के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देती है और वो इंक्रीज होता रहता है। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेंड स्ट्रेंथ, अब रिफॉर्म के बारे में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो रिफॉर्म की बात करने लगते हैं। किसके अगेंस्ट में? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। तो वॉइस वाज रेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बहुत सारी जो वॉइस होती है वो रेज होती है। तो कैसे जो वॉइस, वो कैसे उसका प्रोटेस्ट करते हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, तो वो अब हम जान लेते हैं। तो देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव मतलब हमने देखा था कि तीन बॉडीज होती है। सिविक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिया की जो सेंट्रल सिस्टम है उसके अंदर तीन बॉडीज होती है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को एग्जीक्यूट करवाना, मतलब अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको फॉलो करवाना, और एग्जीक्यूट और जुडिशियरी का काम होता है कि अगर कोई उन लॉज को पालन नहीं कर रहा है तो उनको सजा सुनाना, तो सजा सुनाने का काम जुडिशियरी का होता है। तो लेजिस्लेटर्स मतलब जो लॉ बनाते हैं, तो लॉ बनाते हैं तो ये जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लॉ बनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, लेजिस्लेटर के अंदर ही जाएंगे। तो इसी कारण से यहाँ पे लेजिस्लेटर की बात की गई है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर, इंडियन लेजिस्लेटर के अंदर जो इंडियंस थे उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इंडियन लेजिस्लेटर्स होते हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था। हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, जिन्होंने लॉ बनाया था किसके अगेंस्ट में, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। तो कब बनाया था, इन 1929। तो डेट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कैसे है, तो 1929 के अंदर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लॉ बनाया गया। तो वैसे ही 1829 के अंदर क्या हुआ था, सती प्रैक्टिस को बंद किया गया था, और इसके 100 ईयर्स बाद में ही क्या हुआ था, जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके अगेंस्ट में लॉ बनाया गया था। तो ऐसे हम प्लस करके माइनस करके भी डेट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो 1929 के अंदर क्या हुआ था, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो लॉ है वो बनाया गया था, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्टेड एक्ट वाज पास, एक एक्ट पास किया गया था जिससे चाइल्ड मैरिज को रोका जा सकता है विदाउट मच डिबेट एंड स्ट्रगल। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो लॉ बनाया गया था क्या ये बिना डिबेट के, बिना स्ट्रगल के ही बनाया गया था, तो डिबेट या फिर स्ट्रगल तो होता ही है। जैसे मान लो कि आप एक कुर्सी पे आराम से बैठे हो, अब आपको बोले कि आपको कोई बोले कि आपको इस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी के ऊपर जाके बैठना है, अब आप बोलोगे कि कौन तो बैठेगा। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स का हर काम करने के अगेंस्ट में रेसिस्ट तो होता ही है। तो वैसे ही जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्होंने लॉ बना दिया क्या, ह्यूमन बींग्स या फिर जो ऑर्थोडॉक्स है वो इस लॉ को फॉलो कर लेंगे, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल असेंबली होती है उसके अंदर इंडियन लेजिस्लेटर्स का नंबर ज़्यादा था, तो इसी कारण से जो लॉ है वो बन गया था, वरना तो लोग बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो करते हैं और बाद में गवर्नमेंट को उस लॉ को हटाना ही पड़ता है, लेकिन वो लॉ नहीं हटा था। जो वहाँ के लेजिस्लेटर्स थे उन्हें भी लग रहा था कि हमें रिफॉर्म तो लाना ही होगा जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में। तो हमने लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटर के पर्सन थे उन्होंने क्या किया, एक लॉ को पास कर दिया। तो उन पर्सन्स में एक जो प्रोमिनेंट नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, और वो प्रोमिनेंट नेम क्या है, हरबिलास शरद। तो हरबिलास शरद के बारे में हम आगे भी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो हरबिलास शरद वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे और इन्होंने जो है उस लॉ को पास करने में ज़्यादा मदद की थी, तो इसी कारण से जो 1929 के अंदर एक्ट पास किया गया था उसका नेम शरद एक्ट भी हो गया था। तो हरबिलास शरद प्रोमिनेंट लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने इस एक्ट को पास करने के लिए ज़्यादा मेहनत की थी, तो इसी कारण से उस एक्ट का नेम शरद एक्ट हो गया। तो चाइल्ड मैरिज के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अब जो एक्ट पास किया गया था 1929 के अंदर जिस एक्ट को शरद एक्ट भी बोलते हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग नो मैन बिलो द एज ऑफ 18, अगर मान लो कोई मैन है उसकी एज क्या है 18 से कम है, एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16, और उस वुमेन की एज कितनी है 16 है, मैन की तो 18 और वुमेन के 16, तो अगर ये एज है तो वो शादी नहीं कर सकते। तो मैन 18 ईयर से कम और वुमेन 16 ईयर से कम के शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि वुमेन्स की एज जो है वो तो 18 है और मैन की एज कितनी है 21 है, तो ऐसा तो अभी है,
पहले क्या होता था कि मैन की एज तो 16 थी और वुमेन की एज 18 थी। बाद में अमेंडमेंट वगैरह होते हैं तो बाद में फिक्स कर दिया जाता है। अब क्या सिस्टम है, अब मैन की एज 21 है और वुमेन की एज 18 है, लेकिन पहले मैन की एज कितनी थी 18 और वुमेन की 16। तो हमने ये जो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। तो हमारा ये वुमेन वाला जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो गया। अब आगे बारी आती है कास्ट की, तो कास्ट को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।